नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत, बागपत अपहरण कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने व्यापारी को बदमाशों से छुड़ा लिया है। आपको बता दें कि तड़के सुबह व्यापारी का अपहरण हुआ था, और जो बड़ी अपडेट मिल रही है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वो ये है कि पुलिस ने व्यापारी को छुड़ा लिया है। और एबीपी गंगा के संवाददाता हमारे साथ रोहित सावल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रोहित जी, किस तरीके से इस पूरे मसले को समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाक का सवाल सरकार के लिए बनता जा रहा है। इस तरीके के अपहरण कांड होना कानून व्यवस्था पर लगातार धब्बा लगता जा रहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बागपत व्यापारी अपहरण कांड का जो अपडेट हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि बरामद कर लिया गया है जो व्यापारी है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद से पूरे, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा जो पुलिस महकमा था उसमें हड़कंप था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, उन्होंने एडीजी से बात की, डीजीपी से बात की। और आपको बता दें कि एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार की सक्रियता से पुलिस को पहली लीड मिली इस पूरे मामले में, और जिसके बाद बदमाशों के करीब पुलिस की टीम पहुंचती है, और जब जंगल में बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया, तो अभी जो खबर आ रही है मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये कि बदमाश व्यापारी को छोड़कर वहां से भाग निकले हैं। हालांकि पुलिस की टीम उन बदमाशों को दबोचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे बागपत की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर दिया था कि किस तरह से इतना बड़ा अपहरण कांड होता है, दिन दहाड़े एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है, इससे कई सवाल उठ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस की साख पर भी सवाल बना हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है इस पूरे मामले में कि जिस तरह की सक्रियता और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लिया, उसके बाद व्यापारी को बरामद कर लिया गया। अभी थोड़ी देर में पुलिस आधिकारिक तौर पर भी मीडिया के सामने आ सकती है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी रेंज प्रवीण कुमार की सक्रियता के बाद ये पूरा जो मामला भी जिस तरह से सुबह से उलझा हुआ था, पूरा पुलिस महकमा परेशान था। और आपको बता दें कि बागपत में जो व्यापारी थे उन्होंने भी प्रदर्शन वहां पर शुरू कर दिया था, और लगातार हम सुबह से एबीपी गंगा लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहा है। और ताजा खबर यही है प्राची, बड़ी सफलता इसे कहा जाए कि व्यापारी को छोड़कर बदमाश वहां से हालांकि भाग निकले, और बदमाशों का पीछा भी पुलिस इस वक्त कर रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि व्यापारी को छुड़ा लिया गया है। प्राची बिल्कुल रोहित जी, देखिए यहाँ पर पुलिस ने जरूर काबिले तारीफ काम किया है, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई सीएम ने सख्ती दिखाई, और अब बड़ा अपडेट यही मिल रहा है। लेकिन एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी रोहित जी, ऐसी घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं, जब सीएम सख्त हैं और वो लगातार एक्शन लेते हैं तो जमीन पर चीजें क्यों नहीं उतर पा रही है, किस चीज का फेलियर? देखिए प्राची, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर गाजियाबाद से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, गाजियाबाद की बात करें, बागपत की बात करें, ये तमाम वो इलाके थे जो अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, ये कहीं ना कहीं अपराधियों का एक तरह से यहाँ पर बड़ा नेक्सस काम करता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इस पर लगाम थी। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीनों की स्थिति यहाँ पर देखें, खासतौर से पिछले 2 महीनों की स्थिति देखें, तो यहाँ पर पुलिसिंग की स्थिति ठीक नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस को एक के बाद एक अपराधियों ने चुनौती दी, और लगातार चुनौती दी, और यहाँ तक की जो बागपत के सांसद है सत्यपाल मलिक, जो खुद पुलिस महकमे में रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि पुलिसिंग को बेहतर करना होगा, और बागपत जैसे इलाके में हर घर में असलहा है, ये तक बयान उन्होंने दिया था। तो ये जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है, और खासतौर पर आज की जो बागपत की घटना है जिसमें पुलिस को अभी तो सफलता मिल गई है, लेकिन इन तमाम घटनाओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर दिया है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन 2-3 जिलों की पुलिस खासतौर पर मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है पुलिस की कार्यप्रणाली। बिल्कुल, ये जरूर कहा जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को तफसील से समझाने के लिए। तो देखिए बड़ा अपडेट यही है सूत्रों के हवाले से कि जो व्यापारी है उसे बरामद कर लिया गया है, और जो बदमाश यानी जो अपहरणकर्ता है उन्हें भी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। कुछ ही देर में संभव है कि पुलिस मीडिया के सामने आ सकती है और आधिकारिक ऐलान इस बात का कर सकती है। लेकिन जितनी एक्टिवली पुलिस ने बागपत में काम किया है उसके बाद जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली तारीफ उसकी होगी, लेकिन फिर भी सवाल जरूर खड़े होंगे कि जब ये घटना होती है उसके बाद ही क्यों एक्टिव पुलिस नजर आती है। बलराम मेरे
सहयोगी जो बागपत से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। बलराम, खबर बहुत बड़ी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि व्यापारी को बरामद कर लिया गया है, क्या अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्राची, अगर हम आपको बताएं तो हमारी आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी से बात हुई, जिन्होंने ये स्पष्ट कहा है एबीपी गंगा से कि जो कारोबारी हैं उनको सही सलामत बरामद कर लिया गया है और वक्त रहते पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद बागपत, मेरठ, गाजियाबाद पूरे रेंज में चेकिंग अभियान चलाया गया और सघन चेकिंग अभियान के तहत बदमाश दिखे और जब उन्होंने पुलिस को देखा, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो बदमाश गाड़ी छोड़ करके भागे हैं। हालांकि व्यापारी को सही सलामत बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब कई टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं, कॉम्बिंग जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो आईजी प्रवीण कुमार हैं उन्होंने साफ कहा है कि व्यापारी सही सलामत है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, कोई उन्हें क्षति नहीं हुई है, उनको सही सलामत बरामद किया गया है और इस बात की जानकारी जो लोहा कारोबारी हैं उनके परिवार को भी दी गई है पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम प्राची परिवार के साथ मौजूद हैं और उसी घर में मौजूद हैं जो लोहा कारोबारी का है और यहीं से वो सुबह 5 बजे निकले थे दुकान के लिए, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने उनका अपहरण कर लिया था और घटना को अंजाम देकर के फरार हुए थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता और परिवार की सूझबूझ से उन्हें सही सलामत बरामद कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ परिवार के और उनके मित्र जन यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद कितनी खुशी। इतनी खुशी है जी, तो हम तो पड़ोसी भी हैं, परिवार के आदमी भी हैं, ये मानो कि हमारे तो दिवाली मन गया जी। ये तो साधु आदमी था, इसका तो किससे कोई मतलब ही नहीं, इतना साधु आदमी हमने नहीं देखा और परिवार पर भी गिरे। 1 साल पहले भाई मर गया एक्सीडेंट में, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें तो आई जी सब। लेकिन अब पुलिस ने सही सलामत बरामद किया है, बरामदगी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोई क्षति उन्हें नहीं पहुंची, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब वो पुलिस के कस्टडी में है, उन्हें लेकर के आया जा रहा है बागपत के लिए, तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। लेकिन जिस तरीके से सुबह ये घटना घटित हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले को संज्ञान में लिया और लगातार एबीपी गंगा इस मुद्दे को उठाता भी रहा है, आप लोगों से भी लगातार हमने बात की है। आप सुबह से ही हैं, लगे हुए हैं और हर चीज़ की सूचना ले रहे, दे रहे हो, परिवार का ढाढ़स बना रहे, हमें तो आपको बड़ा सहयोग। बिल्कुल, लेकिन अब पुलिस की इस एक्टिविटी को, इस कार्यशैली को किस नज़र से देखते हैं कि चंद घंटों में कारोबारी के अपहरण के बाद उसे बरामद कर लेते, वो भी सही सलामत, लेकिन जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले उसके लिए क्या? उसके लिए हम जो भी पुलिस से है पुलिस का सहयोग करेंगे, हर तरह से ऐसे नहीं हमटेंगे, नहीं बिल्कुल भी सजा दिलवा सकते। लेकिन इस घटना के बाद कारोबारियों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, दुकान बंद कर दी थी, मार्केट बंद कर दिया था, सब डरे हुए थे, अब को सबको खुशी होगी। इसे बड़ी सफलता मानते हैं, आपका सहयोग है बहुत बड़ा, आप सबसे दे रहे हो उसे, हर चैनल पे दे रहे हो आप, सबका पंडित जी आपका बड़ा सहयोग। तो बिल्कुल ये परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि एबीपी गंगा भी इनकी बात को प्रमुखता से उठाता रहा, इनकी हर बात को उसने दिखाया और यही वजह है कि पुलिस भी हरकत में आई और आज उस कारोबारी को बरामद कर लिया जिसका परिवार गमजदा था इस घटना के बाद। बिल्कुल बलराम, देखिए सुबह से ही एबीपी गंगा इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, हम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और जब ये खबर मिली कि व्यापारी को बरामद कर लिया गया है, ये खबर भी सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दी। बलराम, अब आगे की क्या अपडेट है, कब तक पुलिस व्यापारी को परिवार को सौंपेगी, कब सामने आएगी पुलिस, मीडिया को ब्रीफिंग होगी? देखिए प्राची, हमारी जो आईजी प्रवीण कुमार से बात हुई उनका कहना है कि जो एसएसपी बागपत हैं उन्हें भेजा गया है मौके पर और वो मौके पर पहुंच गए हैं, व्यापारी से उनकी बात भी हो गई है, वो सही सलामत है और अब उसको लेकर के बागपत आ रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही देर में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे घटना के आवरण की बात कहेगी और कैसे ये घटना घटित हुई और कैसे उसका खुलासा हुआ इस बात को भी वो सामने रखेगी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन जो
अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है वो पुलिस के गिरफ्त में आए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चला कि 5 बजे कारोबारी अपने घर से निकल के दुकान के लिए जा रहा था और उसके बाद वो रास्ते में ही उसका किडनैप करके लेकर के फरार हो जाते हैं। लेकिन और 6 बजे ही महज 1 घंटे के अंदर अंदर फिरौती के लिए कॉल भी आ जाती है तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे थे प्राची। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और खुद मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एडीजी मेरठ जोन राजीव सप्रवाल से बात की, आईजी से बात की और एक एक पल का इनपुट लिया और यही वजह है कि आज इन दोनों अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से एक कारोबारी सही सलामत बरामद हुआ है और जो पुलिस पर एक आम जनमानस का भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो फिर से कायम हुआ है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में ये कहा जा सकता है कि जो आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मुख्यमंत्री जी दिलाते हैं वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है और लगातार जो परिजन हैं वो मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने सूझबूझ के जरिए और अधिकारियों को फटकार लगाकर इस घटना का अनावरण कराया, इसलिए वो मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दे रहे हैं और एबीपी गंगा का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी बात को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। बिल्कुल तो लगातार अब घर में जश्न का माहौल है, हर बिल्कुल बलराम देखिए लगातार आप बागपत में मौजूद रहे, आपने हमें पल पल की अपडेट दी, परिवार वालों की बात भी आपने सबके सामने रखी, साथ ही हमने सवाल भी खड़े किए पुलिस पर भी। लेकिन अब जब पुलिस ने व्यापारी को बरामद कर लिया है तो जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली की यहाँ पर तारीफ होगी। लेकिन बलराम आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब परिवार को बताया गया है कि व्यापारी को बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ बातें अधिकारियों और परिवार के बीच में हुई है, क्या ये जानकारी मिल पाई है? देखिए हर 10 मिनट बाद परिजन पुलिस को फोन कर रहे थे कि आखिरकार उनके पिताजी का कुछ पता चला या नहीं चला। लगातार परिजन पुलिस के संपर्क में थे और आला अधिकारी परिजनों से बात कर रहे थे फोन के जरिए और डिप्टी एसपी खुद घर आए हुए थे, उन्होंने परिजनों से बात की और ये ढाढ़स बंधाया कि जल्द ही कारोबारी को बरामद कर लिया जाएगा और जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और यही हुआ भी, उसी देर बाद ये जानकारी परिजनों को मिली कि उनके पिता को सही सलामत पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद पूरे घर में जश्न का माहौल है। बलराम मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमें तस्वीरें वो सामने आ गई हैं, जो व्यापारी की तस्वीर जब पुलिस ने व्यापारी को बरामद किया है उस वक्त की तस्वीर हमारे पास आ गई है। सबसे पहले एबीपी गंगा पर वो आप तस्वीर देख पा रहे हैं और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है पुलिस ने। हालांकि जो आरोपी हैं, जो अपहरणकर्ता हैं, वो जरूर अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस की है, ये बड़ी सफलता पुलिस की है, क्योंकि आज तड़के सुबह व्यापारी का अपहरण हुआ था और दोपहर होते होते पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है। बागपत हरियाणा बॉर्डर से व्यापारी को बरामद किया गया। जैसे ही परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर का एक सदस्य अपहरण उसका हो गया है और अपहरण कर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस के एक्टिव होते ही नाकेबंदी की गई पूरे इलाके की और उस नाकेबंदी उस एक्टिवनेस का ये नतीजा है कि व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम देखिए अब तो सबसे पहले तस्वीरें एबीपी गंगा ने दिखा दी हैं व्यापारी की, जिन्हें बरामद कर लिया है पुलिस के पास वो दिख रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो बागपत भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप बता रहे थे कि पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे मामले में वर्क किया है और परिवार का विश्वास भी कायम रखा है, जीतने की कोशिश भी की है। बिल्कुल प्राची, और लगातार जो सीनियर अधिकारी थे पुलिस के वो परिवार के संपर्क में थे और लगातार वो परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस लगातार वर्क कर रही है, काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और उनके पिताजी उनके पास होंगे। और यही वजह रही कि दोनों अधिकारी, चाहे वो एडीजी मेरठ जोन हों और चाहे आईजी रेंज प्रवीण कुमार हों, लगातार दोनों अधिकारी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहे, अधिकारियों से बातचीत करते रहे, हर पल की वो जानकारी लेते रहे कि कैसे घर से निकले, कहाँ गए और उसके बाद क्या मूवमेंट रहा और जो कॉल डिटेल है उसका भी संज्ञान लिया कि आखिरकार उनका मोबाइल का जो मूवमेंट था वो कहाँ कहाँ गया। और यही वजह है कि तत्काल वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया और बॉर्डर पर उन
अपराधियों को धर दबोचने की कवायद शुरू की गई और यही वजह रही कि जो अपराधी थे वो किडनैपर्स जो थे उन्होंने व्यापारी को छोड़ करके भागने में ही अपनी गलीमत समझी और वो छोड़कर भागे। लेकिन पुलिस अभी भी शांत बैठी नहीं है। उसका कहना है कि व्यापारी भले बरामद हो गया हो लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है जब तक वो गिरफ्त में नहीं आते हैं, जब तक उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया नहीं जाता है, तब तक यूपी पुलिस शांत नहीं बैठेगी। और यही वजह है कि आईजी जो मेरठ रेंज हैं उन्होंने 3 टीमें बनाई हैं और लगातार पुलिस जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और ये खबर भी एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल बलराम, ये खबर भी सबसे पहले दर्शकों तक एबीपी गंगा जरूर पहुंचाएगा। सुबह 5 बजे घर से निकले थे व्यापारी और 9 घंटे बाद पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है, व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन बलराम, जिस तरीके से आप भी सवाल खड़े कर रहे थे इस पूरे मामले में, सवाल ये था कि कैसे अपहरणकर्ताओं को ये पता चला कि सुबह 5 बजे व्यापारी अपनी दुकान के लिए निकलते हैं, ये जो डिटेल्स हैं वो वहां तक कैसे पहुंची, तो क्या इन बिंदुओं पर पुलिस को कुछ पता चल पाया है, कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन था मददगार, कौन जानकारी पहुंचा रहा था अपहरणकर्ताओं तक? देखिए, जो कारोबारी से पुलिस की बात हुई है, जो पुलिस के आला अधिकारी फोन पर बात किए हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी कारोबारी काफी ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए पूरी बात बताने में कहीं ना कहीं डर रहा है। और यही वजह है कि अब जब वो बागपत आएगा, जब अधिकारी उससे बैठकर बात करेंगे और तसल्ली देंगे कि अब कुछ नहीं होना है, वो उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ये घटना कारित हुई, बदमाश उनको कहां कहां लेकर के गए, कैसे वो मूवमेंट कर रहे थे, उस सभी की जानकारी पुलिस को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये सवाल तो अभी भी खड़ा है कि आखिरकार जब कारोबारी घर से निकला है तो उन बदमाशों को कैसे पता चला? क्या फिर वो जो कॉल कारोबारी के पास आई थी कि हमें सामान लेना है वो उन्हीं बदमाशों की थी या नहीं थी, इस बात की भी तस्दीक की जा रही है। और लगातार पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगी हुई है कि आखिरकार कौन कौन सी कॉल आई हैं और जो मोबाइल के मूवमेंट थे वो कौन कौन से थे। और यही वजह रही कि पुलिस को जल्द से जल्द कामयाबी मिली और जो कारोबारी था उसको सही सलामत बरामद किया है। लेकिन अब जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर यह है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि जो बागपत में कारोबारी पुलिस से भरोसा उठा चुके हैं वो इस एक बार फिर से पुलिस पर वो भरोसा करें और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो चुस्त और दुरुस्त रहे। क्योंकि 15 दिन पहले एक कारोबारी को गोली मार दी थी बदमाशों ने, महज इसलिए कि उसने रंगदारी देने से मना कर दिया था और उसके बाद फिर कारोबारी का अपहरण, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक खौफ था और यही वजह है कि व्यापारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों में खौफ था, एक सवाल था अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरीके से काम किया है पुलिस ने इस पूरे मामले में वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब देखने वाली बात यह है कि अपहरणकर्ताओं तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। 3 तस्वीरें आज के पूरे घटनाक्रम की आपके सामने भी है। शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त एक